गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं ईथर के केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ईथर के केमिकल रिएक्शन में हम ऐसी रिएक्शन जिसमें ईथर का एल्किल ग्रुप भाग लेता है उनके बारे में हम डिस्कस लास्ट क्लास में कर चुके हैं। इसके अलावा वे रिएक्शंस जिसमें ईथर एक लुईस बेस की भांति व्यवहार कर रहा है, लुईस क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है, उन रिएक्शंस के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन थर्ड टाइप की रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें ईथर में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के बंध का डिसोसिएशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें CO इस बंध का डिसोसिएशन या विदलन होता है। वे अभिक्रियाएं रिएक्शन देयर वी ऑब्टेन डिसोसिएशन ऑफ दिस बॉन्ड CO बॉन्ड का यहाँ पे डिसोसिएशन होने वाला है। सबसे पहला एग्जाम्पल यहां पे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स HX के साथ। ईथर की रिएक्शन हम HX के साथ डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। देखिएगा, अपन ने ले रखा है एक ईथर, मान लीजिए अपन ने ले रखा है ये ऑक्सीजन से दोनों तरफ R ग्रुप एल्किल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। रिएक्शन हम करवाने वाले हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इस बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है तो यहाँ पे R पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। O पे आएगा नेगेटिव। HX के बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, H पे आएगा पॉजिटिव, X पे आएगा नेगेटिव, और दोनों क्या करेंगे? ओपोजिट चार्ज आयन की ओर अट्रैक्ट होकर यहाँ पर क्या बना लेंगे? प्रोडक्ट बना लेंगे। क्या प्रोडक्ट बनेगा? R प्लस के पास कौन जाने वाला है? X माइनस। तो क्या बन गया? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। और O- के पास कौन जाने वाला है? H+, तो क्या बन जाएगा? ROH यानी कि एल्कोहल। ROH एल्कोहल का निर्माण होगा। यानी ईथर की अभिक्रिया जब आप एल्किल हैलाइड के साथ में करवा रहे हैं तो यहां पर एल्किल हैलाइड और एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। ईथर ले रखा है आपने और हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बना? एल्किल हैलाइड और साथ में बना एल्कोहल, एल्कोहल, ये आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एल्कोहल। हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। तो हाइड्रोजन हैलाइड अपन ने कोई लिमिटेड थोड़ी ले रखा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है अल्कोहल, ये पुनः क्या करेगा? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में क्रिया कर लेता है आर ओ एच के साथ में, एच एक्स फिर से क्रिया कर लेता है और यहाँ पे क्या बनेगा? एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से कैसे क्रिया करता है? यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे एल्कोहल भी क्या बना लेगा? एल्किल हैलाइड प्लस H2। समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर आप HX को एक्सेस में लेंगे, ये चीज़ कब होगी? जब आप लिमिटेड लेंगे, सीमित मात्रा में लेंगे तो आपके ही प्रोडक्ट आएंगे। बट अगर आपने HX ले लिया आधिक्य में या एक्सेस में तो आपका फाइनल प्रोडक्ट एल्किल हैलाइड होगा। यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि ईथर जब हाइड्रोजन हैलाइड की सीमित मात्रा से रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्किल हैलाइड और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और हमें कह दे कि अगर ईथर हाइड्रोजन हैलाइड की एक्सेस या आधिक्य मात्रा से रिएक्शन करता है तब प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो हम कह देंगे प्रोडक्ट बनेगा, पहले तो एल्कोहल ही बनेगा, पर एल्कोहल क्योंकि आधिक्य में ले रखा है तो HX और पड़ा हुआ है, उस HX के साथ में रिएक्शन करके और एल्किल हैलाइड का निर्माण करेगा, ठीक है। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया है डाई एथिल ईथर
और हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। HX के रूप में क्या ले लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएट करा दीजिए, कोई सा भी तोड़ दीजिए, दोनों सेम है, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे तोड़ दो, ये माइनस आ गया, इस पर प्लस आ गया, चाहे ये तोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, इस पर प्लस आ जाएगा, ओ पे तो माइनस आना ही है। ओके, यहाँ पे H प्लस है, I माइनस है, तो क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट O माइनस के पास H प्लस जाएगा, या आप कहेंगे कि ऊपर जो रिएक्शन में अपन ने तोड़ा है बॉन्ड, उसी को यहाँ पे तोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी आप तोड़ सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, सेम कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। इसे तोड़ा हमने, ये लो, तो प्लस के पास कौन जाएगा, आई माइनस, प्रोडक्ट क्या बना लेगा, सी एच थ्री सी एच टू आई, एथिल आयोडाइड। और यहाँ पे जो सी एच थ्री ओ माइनस के पास कौन जाएगा, एच प्लस, और प्रोडक्ट क्या बना लेगा, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, यानी कि एथिल आयोडाइड और इथिल एथाइल एल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी की अपन बात करें तो ये रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इस बॉन्ड लेंथ पे, इस बंद लंबाई पे निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा ये बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड उतना ही आसानी से टूटेगा और उतनी ही आसानी से ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन हैलाइड है उसकी क्रियाशीलता का अगर अपने क्रम पूछा जाए तो हम क्रम बताएंगे HI, HBr, HCl। मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर HBr और फिर HCl। ये यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन है, लिमिटेड रिएक्शन मात्रा से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा, एक्सेस में कर रहा है तो क्या बनेगा, ये अपन ने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया। ये आपका हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एक नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जीसल विधि क्या है, जीसल विधि, जी सल विधि, जीसल विधि क्या होती है, तो इसके बारे में एक नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या होती है जीसल विधि, मैथोक्सी समूह है के मात्रात्मक आकलन के लिए, यानी यहाँ पे अपन मात्रात्मक आकलन किसका करने वाले हैं, मैथोक्सी समूह का यहाँ पे मात्रात्मक आकलन करने वाले हैं। तो मैथोक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए हम क्या करेंगे, के लिए ऐसा ईथर जिसमें मैथिल ग्रुप उपस्थित हो, मैथिल ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाई जाती है। मैथोक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए मैथिल ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाई जाती है और इसे ही क्या कहते हैं, जीसल विधि। आपको बोर्ड्स में एक नंबर का प्रश्न पूछ सकता है, क्या है जीसल विधि, जीसल विधि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे मैथोक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए। आप कैसा, भाई मैथोक्सी समूह का मात्रात्मक आकलन कर रहे हो तो इथर में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, मैथिल इथर। मैथिल इथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाई जाती है और इसे ही जीसल विधि कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि मैथोक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन अगर मेरे को करवाना है तो मैं इथर की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाने वाला हूँ। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जो इथर की रिएक्शन होती है उसमें वेरिएशन पाया जाता है। वेरिएशन क्या होता है, देखिएगा, देखिएगा, अपन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, टर्शरी ग्रुप लेते हैं ईथर में और दूसरा ले लिया हमने मिथाइल ग्रुप, इसकी हम रिएक्शन मान लीजिए
हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवा रहे हैं, HX के साथ भी रिएक्शन ये करवा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं जिसमें अपन एक तो ले लेते हैं मिथाइल ग्रुप और दूसरा ले लेते हैं आइसोप्रोपिल ग्रुप, और इसकी रिएक्शन भी हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाते हैं। देखिएगा, इसमें हमें ये तो पता है कि O और कार्बन के बीच का बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएट होगा, एक जगह पर जाकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दूसरी जगह पे आयोडीन जुड़ जाएगा, सेम यही यहाँ पे होना है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन क्या सेम है क्या? नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि मैं इस बॉन्ड को तोड़ूँ या इस वाले को तोड़ूँ। इसी प्रकार से इसमें इस बॉन्ड को तोड़ा जाए, इसको तोड़ा जाए, कौन से बॉन्ड को तोड़ा जाए? तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए देखिएगा, यदि आपके ईथर में, इन ईथर, यदि ईथर में टर्शरी और प्राइमरी ग्रुप प्रेजेंट है, ईथर में तृतीयक और प्राइमरी ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहां पे ये कौन सा ग्रुप है? टर्शरी। मैथिल को आप एज ए प्राइमरी काउंट कर लें, एक बार सुपर है ये, प्राइमरी काउंट कर लें इसको आप। टर्शरी और प्राइमरी ग्रुप प्रेजेंट है तो रिएक्शन होगी SN1 मेथड से, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यदि आपके ईथर में सेकेंडरी एंड प्राइमरी ग्रुप प्रेजेंट है तो रिएक्शन होगी SN2 मेथड से। इसका थीम क्या है? थीम यही है कि SN1 देखता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बधनायन का स्थायित्व है, और कौन से कार्बधनायन का स्थायित्व सबसे अधिक होता है? टर्शरी का। SN2 क्या देखता है? लेस स्टेरिक इनहेंड्रेंस, यानी कि त्रिविम बाधा। SN2 देखता कम त्रिविम बाधा को। तो कहने का मतलब यह है कि SN1 रिएक्शन होगी तो वह कार्बधनायन बनेगा जो स्टेबल होगा, SN2 रिएक्शन होगी तो SN2 रिएक्शन वहां पर होगी जहां पर कम त्रिविम बाधा हो। तो इसी के अकॉर्डिंग यहां पे हम आइडिया लगाते हैं। देखिए, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ें, ये कौन सा ग्रुप है? टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट है। यहां पे टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट है मींस रिएक्शन होगी SN1 मेथड से। जो पहला एग्जांपल हमें दिया है, क्या इसमें तृतीयक समूह उपस्थित है? है। तो रिएक्शन किस मेथड से होगी? SN1 से। SN1 से होगी मींस कार्बधनायन का निर्माण होगा, और कार्बधनायन कौन सा कार्बधनायन बने? देखिए, ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बधनायन ये बनेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटे तो कार्बधनायन ये बनेगा। तो अब इन दोनों में से स्टेबिलिटी चेक करो, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? टर्शरी की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए कौन से बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा? इस वाले बंद का यहां पर विदलन होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कौन से टाइप से हो रही है? SN1। क्यों हो रही है? क्योंकि एक टर्शरी ग्रुप है और एक यहां पर प्राइमरी ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखिए, तोड़ दीजिए, H+I-, C पे जाके कौन जुड़ेगा? I, प्रोडक्ट आएगा CH3, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, CH3, यहाँ कौन जुड़ जाएगा? आयोडीन, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? H, CH3OH, यानी किसका निर्माण होगा? टर्शरी ब्यूटिल आयो डाइड, टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड और मैथिल एल्कोहोल, मैथिल एल्कोहोल का निर्माण होगा। कब? जब तृतीयक और प्राइमरी ग्रुप प्रेजेंट हो, तो SN1 मेथड से होगी। इस ग्रुप को क्यों तोड़ा? क्यों आप? क्योंकि तृतीयक कार्बधनायन बन रहा था, ये प्राइमरी बन रहा था, तो कौन स्टेबल होगा? सुपर की तुलना में कौन स्टेबल होगा? तृतीयक स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां पर यह प्रोडक्ट हमारा आएगा। आगे देखो, नेक्स्ट यहां पे देखिए, क्या यहां पे टर्शरी प्रेजेंट है? नहीं है। यहां पे सेकेंडरी, और इसे आप एज ए प्राइमरी देखिए, सेकेंडरी और प्राइमरी प्रेजेंट है, तो यहां पे रिएक्शन होगी SN1 मेथड से।
सॉरी SN2 मेथड से। SN1 में सो किस कहां होगी, जहां टर्शियरी और प्राइमरी ग्रुप प्रेजेंट है वहां पे रिएक्शन होगी SN1 मेथड से, और जहां पे सेकेंडरी और प्राइमरी ग्रुप प्रेजेंट होगा वहां पे रिएक्शन होगी SN2 मेथड से। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहां पे क्या बनेगा, H प्लस और I माइनस। प्रतिस्थापन किसका होना है, नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन होना है। ठीक है, अब देखिए अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है, हालांकि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है, बैक अटैक होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पर फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ के देखिए कि यहाँ पे होना क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे ये ओ माइनस है और ये सी प्लस है। ठीक है, अब देखिए यहां पे आई माइनस अटैक करेगा इस ओ साइड से, इधर से तो अटैक करेगा नहीं, किधर से करेगा, इसके ऑपोजिट साइड से। और यहां पे आप देखिए दो मैथिल समूह है, तो यहां पे त्रिविंब बाधा क्या है, अधिक है। अगर इस वाले ऑक्सीजन बॉन्ड का डिसोसिएशन हो, तो देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको, सी एच थ्री ओ सी एच CH3। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो इस O पे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, यानी ये रिप्लेस होना है किससे, आयोडीन से। तो आयोडीन इधर से तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि माइन आई इसको रिपेल करेगा, आई किधर से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, बैक अटैक करेगा। अब बैक अटैक के लिए देखिए यहां पे एक एल्किल समूह है, दो एल्किल समूह, यहां पे त्रिविम बाधा अधिक है। तो क्या आई आंशिक दिखा देता हूं मैं इसको, क्या आई इस कार्बन तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहां पे स्टेरिक हेंड्रेंस ज्यादा है, त्रिविम बाधा अधिक है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए, अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो अब आई माइनस किधर से अटैक करेगा, सामने तो ये पूरा नाभिक स्नेही पार्ट हो गया, किधर से अटैक करेगा, बेक से। और बेक से अटैक करेगा तो यहां पे त्रिविम बाधा है क्या, कंपेयर कर लो दोनों स्थिति पे, इस कार्बन पे आयोडीन का अटैक करना इजी है या इस वाले कार्बन पे, आपको सेल्फ दिख जाएगा यहाँ पे कितनी भीड़ भाड़ है। तो भीड़ भाड़ में से गाड़ी निकालना कठिन होता है, जबकि खाली रोड से गाड़ी निकालना आसान होता है। आपके सामने प्रूवन है ये कि यहाँ पे अगर आयोडीन अटैक करेगा तो यहाँ पे त्रिविम बाधा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आई क्या सिलेक्ट करेगा, इधर से इस कार्बन पे अटैक करेगा। मींस अगर सेकेंडरी और प्राइमरी ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो रिएक्शन कौन से मेथड से हो रही है, एसएन टू से। और आयोडीन कहां जुड़ेगा, जो प्राइमरी ग्रुप होगा उससे आयोडीन जुड़ेगा या हैलाइड जुड़ेगा। तो यहां पे देखिए प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम, इसे मैं दोबारा लिख दूं, सी एच थ्री ओ सी एच सी एच थ्री प्लस एच आई, सॉरी। अब कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे भाई हम, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि SN2 मेथड से हो रही है, तो यहां पे क्या आएगा, आंशिक धनावेश ऋणावेश। आई किस पे जुड़ेगा, सी एच थ्री पे, सी एच थ्री आई। और एच कहां जुड़ जाएगा, यहां पे, तो क्या लिख देंगे, सी एच सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ओ एच, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहां पे अपन पहचान कर सकते हैं कि यदि टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो रिएक्शन होगी SN1, यदि प्राइमरी और सेकेंडरी हुआ तो रिएक्शन होगी SN2 टाइप रिएक्शन होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल और अपनी बुक में दे रखा है, तो उसको अपन डिस्कस करें तो हमारे समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनना है। देखिएगा एग्जांपल दे रखा है, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ सी सी एस थ्री
CH2 CH3 ये एग्जाम्पल दे रखा है और रिएक्शन करवा रहा है HI के साथ में। देखिएगा कौन सा बॉन्ड टूटे, ये के ये, दिस वन और दिस वन। यहाँ पे देखिए कौन सा ग्रुप है, टर्शरी ग्रुप है। रिएक्शन कौन से मेथड से होगी, SN1। और SN1 क्या देखता है, कार्बोधनायन का स्थायित्व है। मीन्स यहाँ पे इस बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, O पे माइनस आएगा, C पे प्लस आएगा। SN1 मेथड से यहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस होगी, ठीक है, इस टाइप से रिएक्शन होगी। ओके, आगे हम बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप पे ध्यान रखिएगा कि यदि टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट है तो SN1 मेथड से रिएक्शन होगी, और सेकेंडरी और प्राइमरी प्रेजेंट है तो SN2 मेथड से यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे। थीम ध्यान रखिए, SN1 कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करता है, जबकि SN2 त्रिविम बाधा के बारे में, स्टीरिक हैंड्रेंस के बारे में बात करता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं जल अपघटन, जल अपघटन सेकेंड रिएक्शन, दैट इज आर सेकेंड रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन किस प्रकार से होता है, हमने ले रखा है डाई एथिल ईथर और इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं हम डाइल्यूट H2SO4 से। किससे करा रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 से, एट द हाई प्रेशर ये रिएक्शन हो रही है, हाई प्रेशर उच्च दाब पे। तो देखिए जल अपघटन H O H या यू लिखो इसे H O H, H प्लस ओ एच माइनस, H प्लस और ओ एच माइनस, ठीक है। ये बॉन्ड अगर टूटे, O पे क्या आएगा माइनस, C पे क्या आएगा प्लस, O पे H प्लस जाएगा, C पे ओ एच जाएगा, यानी ये भी क्या बना लेगा, CH3CH2OH, यानी कि टू मॉलिक्यूल्स एथेनॉल, CH3CH2OH, दिस इज डाई एथिल, डाई एथिल ईथर, और प्रोडक्ट क्या बना है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का निर्माण होगा जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, ठीक बात है। ओके, नेक्स्ट हम रिएक्शन सिंपल है, जल अपघटन करा रहे हो, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ H प्लस चला गया और पॉजिटिव है वहाँ OH माइनस चला गया। आगे हम बात करते हैं रिडक्शन की, अपचयन, अपचयन, अपचयन या रिडक्शन। यहाँ पे हम टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो रिडक्शन का मतलब होता है एड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन्स का योग, और भिन्न भिन्न प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट से भिन्न भिन्न प्रोडक्ट यहाँ पे आपको ऑब्टेन होने वाले हैं। लाइक है वी हैव टेक डाई इथाइल ईथर, दिस इज डाई इथाइल ईथर एंड We will reduce it with sodium and draw ammonia, Na plus NH3. Sodium और draw ammonia से इसको हम reduce करने वाले हैं। Ammonia किस phase में लिया आपने, liquid phase में लिया, draw ammonia आपने यहाँ पे ले रखा है। तो यहाँ पे देखिए reduction होगा, कैसे होगा reduction, reduction का मतलब है aid of hydrogen। तो यहाँ पे ये bond टूटेगा, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, ओ के साथ में, ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, कार्बन के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है यहाँ पे, CH3CH2OH, और साथ में दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH3, ठीक है। यानी आपके यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच हो गया, और प्रोडक्ट बना है आपका एथिल एल्कोहल और एथेन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, साथ में कितना हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, दो हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है। डाई एथिल ईथर था, प्रोडक्ट क्या बना, एथिल
एल्कोहल और साथ में बन गई एथेन। ये हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन गए, ठीक है, फर्स्ट टाइप। सेकंड, अगर यही रिडक्शन CH3, CH2O, CH2, CH3, यदि यही रिडक्शन हम लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में करवाएं, रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसको हीट दे देते हैं। देखिए, ये इस टाइप का रिएजेंट है कि इसको चाहे कुछ भी दिखा दो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा दो, एल्कोहल दिखा दो, ईथर दिखा दो, कार्बोनिल्स दिखा दो, ये सभी को एल्केन पे ले जाके छोड़ता है। ये जो रेड्यूसिंग एजेंट है, ऐसा एजेंट है, चाहे इसके सामने जो भी आ जाए ये उसका क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। कैसे, देखिएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना लेंगे, H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या बना लेगा, CH3, 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 CH3। यानी यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स तो बनेंगे एथेन के, और एक मॉलिक्यूल बनेगा जल का, वाटर का, क्या बन गया, एथेन। देखिएगा, एथेन, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड ने क्या करा, इसको एथेन में रिड्यूस कर दिया, ठीक है। आगे रिएक्शन की बात करते हैं अपन, एसिटिलीकरण। तो दो टाइप से रिडक्शन करवाया आपने, लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड, और द्रव अमोनिया सोडियम से। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फोर्थ, एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। हमने ले रखा एसिटिलीकरण में करने के लिए अपन किससे करा सकते हैं, एक तो एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एसिटिल क्लोराइड के साथ ईथर कैसे रिएक्शन करेगा, देखिए, हम ले लेते हैं डाई एथिल ईथर, और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ में, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, ओके। देखिएगा, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ओ पे आता है माइनस, सी पे आता है प्लस। यहां पे ये बॉन्ड टूटता है, सी पे आता है प्लस, सी एल पे आता है माइनस। कौन कहां जुड़ेगा आप देख लीजिए, नेगेटिव पे कौन आने वाला है, पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, हम लिख देते हैं जैसा दिख रहा है, CH3CH2O, इतना तो यहां पे है ही। अब O पे कौन आएगा, प्लस, प्लस किस पे, C पे, C डबल बॉन्ड O, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। यानी किसका निर्माण हो गया, एस्टर का, एस्टर, क्या फॉर्म हुआ यहां पे, एस्टर फॉर्म हो गया, और साथ में दूसरा प्रोडक्ट यहां पे बनेगा CH3CH2CH3CH2Cl, ठीक है, एस्टर। एस्टर कौन सा है, यहां पे कौन सा एथर फॉर्म हुआ है, एथिल एथेनोइट, एथिल एथेनोएट का यहां पे फॉर्मेशन होगा, साथ में बना एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, साथ में क्या बन गया यहां पे, एथिल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड के साथ आपने रिएक्शन देखी, इसी प्रकार से सेम यही रिएक्शन हम करवा सकते हैं एस्टर के साथ में, क्या होगा देखो, एनहाइड्राइड के साथ में, एनहाइड्राइड के साथ में सेकंड रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एन हाइड्राइड के साथ। देखिएगा, हमारा रिएजेंट से रिएक्टेंट सेम है, डाई एथिल ईथर, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3 CH3 CH3, ठीक है, ओके। अभी हम क्या करें, इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं,
ओ पे क्या आएगा माइनस, सी पे क्या आएगा प्लस। यहाँ पे हम इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, ओ पे क्या आएगा माइनस, सी पे क्या आएगा प्लस। ठीक है, जैसा दिख रहा है प्रोडक्ट बना देते हैं। देखिएगा सी एच थ्री, सी एच टू ओ इतना तो है। अब ओ पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा ना प्लस, प्लस जाके तो अटैक करेगा सी ओ सी एच थ्री। एक तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। दूसरा देखिए इसकी बात करें अपन, सी एच थ्री सी डब ओ ओ, ओ पे जाके कौन जुड़ेगा ये प्लस सी एच टू सी एच थ्री। ठीक है, अब ये देखिए क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, ये भी एस्टर है ये भी एस्टर, और एस्टर भी कैसे हो बो सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री सी एच टू ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री सी एस थ्री। यानी कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स एस्टर के बनेंगे। ठीक है, ये हो गया एसिटिलीकरण, एसिटिल समूह कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। बार बार मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिस से होगा सारा काम। इसे बोलते हैं एसिटिल समूह, और ये जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एसिटिक एनहाइड्राइड से भी रिएक्शन करवा सकते हो और एसिटिल क्लोराइड के साथ में भी रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे अपनी ये रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे सम अदर रिएक्शंस के बारे में, कुछ अन्य प्रकार की अभिक्रियाएं जो यहाँ पे कैसे होती हैं देखेंगे हम। अदर रिएक्शंस, अदर रिएक्शंस, अन्य अभिक्रियाएं, इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं हम निर्जलीकरण की, डिहाइड्रेशन रिएक्शन की। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवा रहे हैं। हमने क्या ले रखा है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, और हम इसे हीट दे रहे हैं एलुमिना के साथ Al2O3 653 केल्विन टेम्परेचर पर, 653 केल्विन टेम्परेचर पर इसे हीट दे रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं CH2H, इसको कैसे लिख सकते हैं CH2H। तो जब आप इसे हीट देंगे तो ये इस प्रकार से बॉन्ड डिसोसिएट होगा। दिस इज द टाइप फॉर योर लर्निंग, ये आप याद रखने के लिए ध्यान रखेंगे, दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म नहीं है। अब देखिए ये हाइड्रोजन निकल गया, ये हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, क्या बना लिया H2O, यानी इस रिएक्शन में बाहर क्या निकल गया H2O। अब देखिए कार्बन का बॉन्ड टूट गया, कार्बन का बॉन्ड टूट गया, दोनों कार्बन के बॉन्ड टूटे तो दोनों कार्बन आपस में क्या बना लेंगे डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी इस कार्बन का भी बॉन्ड टूटा, इसका भी टूटा, ये भी क्या बना लेगा डबल बॉन्ड। मीन्स यहाँ पे ये भी एथीन बन रही है और ये भी एथीन बन रही है, मीन्स इस रिएक्शन में टू मॉलिक्यूल एथीन के ऑब्टेन होंगे, एथीन। ठीक है, निर्जलीकरण कराओगे अगर आप ईथर का तो एथीन का निर्माण होगा। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सेकेंड रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, अपन ने ले रखा है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक है, और डाई एथिल ईथर की रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में विशिष्ट केमिकल एनवायरनमेंट में करवाने वाले हैं। थोड़ा मैं पेन को स्याही भर दूँ, उसके बाद मैं रिएक्शन आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे रिएक्शन होती है। डाइएथिल ईथर और इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, और यह रिएक्शन बोरोन ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में 398 से 423 केल्विन टेम्परेचर और 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है। सिंपल सी थ्योरी है, ध्यान रखिएगा कि CH3 CH2 O CH2
CH3। तो जो CO ग्रुप है, आपने यहाँ पे जो CO ग्रुप ले रखा है, ये कहाँ जाके बैठ जाएगा? इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि सेम ग्रुप है दोनों। तो यहाँ पे जाके बैठ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा? CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH2 CH3। किसका निर्माण होगा? एस्टर का। है क्या? ईथर। क्या ले रखा आपने? ईथर। और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन गया? एस्टर। कैसा एस्टर बना है? एथिल प्रोपेनोएट। एथिल प्रोपेनोएट का यहाँ पे निर्माण होगा, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बीच में जाके बैठ गया और प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पर? एस्टर। थर्ड टाइप और हमारी जो फाइनल रिएक्शन है ईथर की, वह है दहन, कंबशन। दहन, दहन का मतलब होता है जलाना, या मैं कहूँ रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आपने क्या ले रखा है? डाई एथिल ईथर और आप इसको क्या कर रहे हो? जला रहे हो, ऑक्सीजन दहन कर रहे हो। देखिए, जब भी किसी भी चीज़ का दहन किया जाता है तो उसका ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे किस किस के ऑक्साइड बनने हैं? कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इन दोनों के यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म होंगे और प्रोडक्ट होगा हमारा CO2 और H2, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल का यहाँ पर निर्माण होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। तो गाइज, इसी के साथ ईथर का जो पोर्शन था अपना, ऑर्गेनिक पोर्शन, वो अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगली क्लास में।